तो हेलो गाइज, मेरा नाम है संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं श्योर गटर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की डेट में व्हाट्सएप हम सभी यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। गाइज, आप सभी ये तो जानते होंगे कि अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया है तो आप उसको ओनली 1 आवर के अंदर ही डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। बट गाइज, आप तो जानते हैं कि आपको इस चैनल पर हमेशा नई नई ट्रिक्स एंड टिप्स मिलती रहती है। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो इसी के लिए है कि आप कैसे किसी भी मैसेज को आफ्टर 1 आवर, फिर चाहे वो 1 घंटे हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, इजीली डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रिक को देखते हैं। अब गाइज, आपको मेरी स्क्रीन पर 2 व्हाट्सएप शो हो रहे होंगे। पहला व्हाट्सएप मेरा ओरिजिनल व्हाट्सएप है एंड सेकेंड व्हाट्सएप मेरा ड्यूअल व्हाट्सएप है। तो मैं आपको अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप से ड्यूअल व्हाट्सएप पर किया गया पुराना मैसेज डिलीट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी मैसेज को आफ्टर 1 आवर भी इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम इस ट्रिक के लिए व्हाट्सएप ओपन करते हैं। तो देखिए गाइज, अब हम व्हाट्सएप में आ चुके हैं। अब मेरा यहाँ पे एक मैसेज है, आई एम गुड, और ये मैंने सेंड किया था सुबह 7:47 पे और अभी टाइम हो रहा है 1:58। तो इसको 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे अभी डिलीट करता हूँ तो इसमें डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइज, अब हम देखने वाले कि आप अभी भी इस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कैसे कर सकते हैं। इस ट्रिक के लिए आप सबसे पहले अपना कनेक्टेड वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा ऑफ कर देंगे और एरोप्लेन मोड को ऑन कर देंगे। अब इसके बाद आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाएंगे और इसको फोर्स स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे इसको मिनिमाइज करेंगे। और इसके बाद अब आप रीसेंट ऐप्स में जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और अब आप अगेन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम, इसको ऑफ कर देंगे। अब आप यहाँ पे डेट एंड टाइम को मैनुअली उस मैसेज के अकॉर्डिंग फिल करेंगे जिस मैसेज को आपको डिलीट करना है। तो पहले हम डेट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे मैसेज का डेट 4 जून का है तो हम इसको 4 जून ही रखते हैं। अब आप टाइम पे क्लिक करेंगे, हमें जो मैसेज डिलीट करना है उसका टाइम सुबह 7:47 का है। आपको यहाँ पे टाइम उस मैसेज के 1 घंटे के अंदर ही रखना है। तो मैं इस टाइम को सुबह 8 बजे का सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके कर देंगे। अब हमारा टाइम फिल हो चुका है। अब आप इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और बैक जाएंगे। अब आप व्हाट्सएप में जाएंगे। अब हम गाइज वापस से अपने व्हाट्सएप में आ चुके हैं और अब हमें आई एम गुड मैसेज को डिलीट करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे और देखिए गाइज, अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे सामने डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ चुका है। अब आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इस मैसेज को दोनों साइड से डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए हम डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमने मैसेज यहाँ पर डिलीट कर दिया है। अब हमको ये मैसेज रिसीवर एंड से भी डिलीट करना है। तो उसके लिए आप सिंपली अपना एरोप्लेन मोड ऑफ कर देंगे और डेटा को ऑन कर देंगे। और गाइज, अब मैं आपको सेकंड व्हाट्सएप में जाके चेक करा देता हूँ कि क्या ये वहाँ पे डिलीट हुआ या नहीं। तो चलिए ड्यूअल व्हाट्सएप में चलते हैं। और गाइज, अब आप देख सकते हैं कि ये मैसेज यहाँ पे रियली में डिलीट हो चुका है और ये ट्रिक परफेक्टली वर्क कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइज, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।